हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीडी बेस इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लास सिक्स साइंस चैप्टर थर्ड सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स इसके बारे में बताया था। मटेरियल्स के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितने मटेरियल से मिलकर बन सकता है, एक मटेरियल से कितनी कितनी ऑब्जेक्ट बनती है, और सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो उसको इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्या जानेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यानी पदार्थों के गुण जानेंगे, यानी मटेरियल्स कितने टाइप्स के, कितने टाइप्स होते हैं, कितने हिसाब से बांटा गया है, और इसके प्रॉपर्टीज जानेंगे। मटेरियल्स तो जान जाएंगे कितने मटेरियल्स होते हैं, किन किन टाइप्स के, और मटेरियल्स की क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्वालिटी जानेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को जो देखिए कितने भाग बांटा गया है। अपीयरेंस के हिसाब से ए वन, हार्डनेस के, फिर सोल्युबिलिटी, फिर ट्रांसपेरेंसी, फ्लोटिंग और सिंकिंग, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, है ना। तो कितना हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को हम लोग देखेंगे डिटेल्स में इसी चार्ट के माध्यम से। आप लोग पूरा का पूरा मटेरियल्स और प्रॉपर्टीज समझ जाएंगे, बस आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए पहला है अपीयरेंस के हिसाब से। तो मटेरियल्स को देखिए अगर अपीयरेंस के हिसाब से देखिए तो दो टाइप्स होंगे, एक लस्टर और एक नॉन लस्टर। लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग, यानी जो शाइनिंग करता है, चमकता है, उसे बोलते हैं लस्टर। इसका नॉन लस्टर यानी जो नहीं चमकेगा, शाइनिंग नहीं करता है, उसे बोलेंगे नॉन शाइनिंग यानी नॉन लस्टर, है ना। तो अपीयरेंस के हिसाब से मैंने मटेरियल्स को कितने भाग बांट दिया, दो, लस्टर और नॉन लस्टर। लस्टर मीन्स होता है चमक, और नॉन लस्टर मीन्स चमकहीन, यानी जो नहीं चमकता उसको बोलते हैं। यानी ब्रैकेट लिखा हूं शाइनिंग देखिए, और इसको लिखा हूं नॉन शाइनिंग, इसमें लस्टर मीन्स चमक, नॉन लस्टर मीन्स नॉन शाइनिंग यानी नहीं, जिसमें चमक नहीं होती है। एग्जांपल में देखिए लिखा है गोल्ड सिल्वर, तो देखिए जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वो शाइनिंग करता है, चमकता है, और नॉन लस्टर में, नॉन शाइनिंग में वुड है, प्लास्टिक है, है ना, देखिए ईच है, जो नहीं क्या है, शाइनिंग नहीं करता है उसे, यानी जो लस्टर होगा ना, नॉन, जो नॉन लस्टर होगा वो क्या होगा, रफ होगा, रफ, आर ओ यू जी एच, रफ यानी खुरदुरा होगा, है ना, खुरदुरा। रफ किसे बोलते हैं, कोई भी चीज है खुरदुरा है ना, उबड़ खाबड़, उसे बोलते हैं रफली, यानी उबड़ खाबड़ यानी रफली, जिसे बोलते हैं रफ यानी खराब, यानी जो सरफेस हो गया रफ यानी खुरदुरा। और इसको बोलते हैं स्मूथ, स्मूथ होता है, इसका जो सरफेस होता है स्मूथ, इसमें एकदम प्लेन, जैसे इस दिख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड का जो सरफेस क्या है, बहुत ही स्मूथ है ना। तो लस्टर मीन शाइनिंग, यानी जब कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ, कोई जो मेटल होती है, जो भी मेटल, मेटल को अगर इस तरह से कोई मेटल, इसको मैंने काटा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं घर पर रूम वगैरह बनना तो सरिया काटा जाता है, तो देखे होंगे काटते समय जो कटा हुआ भाग दिखता है, ये वाला, ये मान लो यहाँ इस तरह से कट गया, तो ये जो भाग दिखेगा एकदम शाइनिंग दिखेगा, है ना, उसे ही बोला जाता है लस्टर। तो समझ में आ गया आपको अपीयरेंस के हिसाब से दो टाइप्स के, लस्टर और नॉन लस्टर। लस्टर यानी जो शाइनिंग करता है, नॉन लस्टर यानी जो शाइनिंग नहीं करता है। एग्जांपल में गोल्ड सिल्वर जितने भी मेटल्स हैं वो शाइनिंग करते हैं जो, ठीक, वो। फिर नॉन लस्टर में प्लास्टिक है, रफ प्लास्टिक है, वुड है, और भी चीजें हैं जो शाइनिंग नहीं करते हैं। अच्छा, ये दूसरा देखते हैं हार्डनेस के हिसाब से। हार्डनेस मीन्स होता है कठोरता। कठोरता के हिसाब से देखें तो क्या होगा, कोई भी मेटल्स है कठोर हो, कठोरता के साथ देखें तो कोई मेटल्स जो है दो हाथ में ले, कोई चीज दब सकती है, कोई चीज दब नहीं सकती है, यानी हार्डनेस के साथ देखें तो एक मटेरियल सॉफ्ट होगा, एक मटेरियल हार्ड होगा, यानी कोई भी चीज लेंगे तो या तो हार्ड हो सकता है या तो सॉफ्ट हो सकता है। यानी हार्डनेस के हिसाब से दो टाइप्स के, सॉफ्ट और हार्ड, यानी जो चीज कंप्रेस, जो भी चीज आसानी से क्या हो, दब जाए, कंप्रेस किया जा सके, उसे बोलते हैं सॉफ्ट। जो आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, वो नहीं कंप्रेस होती, दबती नहीं, उसे बोलते हैं हार्ड। तो जैसे देखिए कॉटन है, कॉटन लिए आप उसे कंप्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा आसानी से। ऊल है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज भी दबते हैं तो आसानी से क्या जाता है, दब जाता है। तो देखिए जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उसका जो चेंज शेप हो सकता है, जैसे स्पॉन्ज आपने लिया, इससे इस तरह से दबाया तो क्या होगा, इसका जो शेप हो वो चेंज हो जाएगा, फिर वो उसी शेप में आ सकता है। यानी जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है ना, यानी कंप्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। तो यानी जो मटेरियल हार्डनेस के साथ में सॉफ्ट और हार्ड, यानी जो आसानी से कंप्रेस किया जा सके उसे सॉफ्ट बोलते हैं, जो आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सके उसे हार्ड बोलते हैं। जैसे वुड है, आयरन है,
जैसे लकड़ी है आप पकड़ लीजिए, क्या हो जाएगा आसानी से दबेगा, कंप्रेस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हार्ड। इसके बाद देखिए आयरन लोहा है, लोहे को आसानी से आप सकते हैं नहीं दबेगा, कंप्रेस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हार्ड। तो कोई भी हार्डनेस के साथ देखेंगे तो दो मटेरियल सॉफ्ट और हार्ड, यानी जो आसानी से कंप्रेस किया जा सके उसे सॉफ्ट मटेरियल, जो आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सके उसे हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल से वुड है, आयरन है, और सॉफ्ट मटेरियल में कॉटन है, ऊल है, स्पॉन्ज है। इस और सॉफ्ट मटेरियल का जो शेप है वो चेंज हो सकता है और हार्ड मटेरियल का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, है ना। फिर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सोल्युबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, सोल्युबिलिटी मतलब होता है घुलना, यानी कोई चीज जो है वाटर में डालेंगे तो सोल्यूबल हो जाएगा और इनसोल्यूबल रहेगा, यानी कोई भी वाटर सोल्यूबल हो सकता है और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मीन्स होता है घुलनशील और इनसोल्यूबल मीन्स अघुलनशील, यानी सोल्युबिलिटी यानी विलेयता के हिसाब से देखेंगे तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है साल्ट और वाटर, यानी ये मान लीजिए एक बीकर है, कोई चीज लीजिए आप, इसमें क्या डाल दीजिए वाटर डाल दीजिए और इसके बाद इसी में क्या डाल दीजिए साल्ट, यानी इसमें साल्ट डालिए और प्लस वाटर, साल्ट और वाटर डालेंगे तो इसमें क्या करेंगे इसके बाद मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आसानी से क्या हो जाएगा सोल्यूबल हो जाएगा, यानी साल्ट और वाटर को मैंने डाला इसमें घोल दिया तो ये क्या हो गया सोल्यूबल हो गया, यानी नमक पानी में क्या हो गया डिसअपीयर हो जाता है, यानी क्या है सोल्यूबल है, यानी सोल्युबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो एक घुल गया। अब दूसरा देखिए इनसोल्युबल यानी अघुलनशील, चाक लीजिए वाटर लीजिए, यानी इसमें वाटर डालिए और प्लस चाक, है ना, तो वाटर डालिए चाक डालिए फिर इसके बाद इसे घोल दिए, उस समय बाद देखिए जो चाक उसी में रहेगा बैठा रहेगा, तो यानी जो चाक है वाटर में सोल्युबल नहीं हुआ, है ना, तो क्या हुआ इनसोल्युबल, यानी जो चीज पानी में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से उसे बोलेंगे सोल्युबल, जो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता उसे बोलते हैं इनसोल्युबल। यानी कोई भी चीज अगर वाटर में घोल रहे हैं तो वो आसानी से जो चीज उसमें घोले हैं डिसअपीयर हो गई गायब हो गई तो बोलेंगे सोल्युबल, है, यानी चीज अगर जो दूसरा बीकर में अगर पानी में वाटर में मान लो मिट्टी को घोल रहे हैं तो मिट्टी उसमें घुलेगी नहीं घुलेगी तो क्या हो जाएगा इनसोल्युबल। तो सोल्युबिलिटी के हिसाब से दो सोल्युबल और इनसोल्युबल, साल्ट और वाटर को घोलेंगे तो घुल गया यानी आसानी से डिसअपीयर हो गया जो साल्ट हो गया सोल्युबल, और इनसोल्युबल में चाक और वाटर मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्या हो गया एक्टिविटी करके वाटर और चाक में घोला तो ये गायब नहीं हुआ यानी इनसोल्युबल है, यानी सोल्युबिलिटी के हिसाब से सोल्युबल इनसोल्युबल। ठीक, अब चलिए देखते हैं ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से मटेरियल जो होता है कोई ट्रांसपेरेंसी यानी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखेंगे तो देखिए ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखेंगे तो देखिए तीन प्रकार होते हैं ओपेक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट। देखिए ओपेक, ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी, क्या होता है ओपेक मीन्स अपारदर्शी, देखिए देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के हिसाब से देखें, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के हिसाब से देखें तो मटेरियल कितने टाइप के थ्री ओपेक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट। तो देखिए पहला है ओपेक, ओपेक बॉडी उसे बोलते हैं ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट से बोलेंगे जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसे बोलते हैं ओपेक, उसे बोलते हैं ओपेक। जैसे देखिए टेबल है, टेबल के आर पार नहीं देख सकते हैं, लकड़ी का टेबल है तो वॉल है, जैसे देखिए ये दीवार है जो है ये दीवार जो है ना इसके आर पार देख सकता हूं मैं नहीं देख सकता हूं तो ये क्या हो गया ओपेक हो गया। आयरन हो गया लोहा, लोहा क्या है लोहा का कोई चीज है अगर उसे आर पार देखेंगे तो देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे तो क्या होगा ऐसी चीजें जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं देख नहीं सकते हैं है ना तो वो क्या हो जाएगा ओपेक। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के मैं उस पार देख पा रहा हूं नहीं देख पा रहा हूं तो व्हाइट बोर्ड भी क्या हो गया ओपेक। तो ऐसी चीजें जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे बोलते हैं ओपेक। इसके बाद देखिए फिर दूसरा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, क्या होता है पारदर्शी यानी जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए वाटर, वाटर में क्या करते हैं आर पार हम उसके देख सकते हैं, वाटर में अगर देखेंगे तो उसके आर पार दिखता है तो क्या है ट्रांसपेरेंट है। एयर, एयर क्या है ट्रांसपेरेंट, देखिए हम और आपके जो कैमरा है उसके बीच में क्या है एयर है लेकिन हम आपको देख पा रहे हैं आप हमको देख पा रहे हैं ये क्या है एयर क्या है ट्रांसपेरेंट है। तो इस पर ग्लास देखिए, ग्लास भी जो होता है कांच वो भी क्या होता है ट्रांसपेरेंट। देखिए मेरे जो चश्मा है इसमें क्या लगा है ग्लास, ग्लास लगा है तभी क्या है मैं इसके आर पार देख पा रहा हूं, अगर यहीं पर कोई दूसरा चीज लगा ओपेक लगाता होता तो मैं आपको नहीं देख सकता है ना। तो ट्रांसपेरेंट भी ग्लास भी है। फिर देखिए इटीसी और भी जो चीजें हैं क्या है ट्रांसपेरेंट होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहेगी। इसके बाद देखिए ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट होता है अभासी, क्या होता है अभासी,
ट्रांसलूसेंट उसे बोलेंगे जिसके आर पार हम पार्शियली देख पाए, क्या देख पाए, पार्शियली, अधिकांश रूप देख पाए, अधिकांश नहीं देख पाए, तो उसे बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। जैसे देखिए फॉग, फॉग यानी कोहरा, देखिए कोहरा होता है उसे क्या करते हैं, उसमें जो होता है तो आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है। और धुआं हो गया, धुआं में क्या, धुआं में देखिए देखेंगे तो आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। जैसे देखिए टिश्यू पेपर, आप टिश्यू पेपर को लेकर देख सकते हैं ऐसे, तो अधिकांश भाग उधर जिस भाग को देखेंगे हल्का हल्का दिखेगा, तो उसे बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। ऑयल पेपर, ऑयल पेपर जैसे मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था फैट्स को चेक करने के लिए, ऑयल पेपर में देख रहे हैं तो आर पार क्या हो रहा था, हल्का हल्का दिख रहा था, तो क्या हो गया ऑयल पेपर भी क्या हो गया ट्रांसलूसेंट, यानी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, पारदर्शिता के हिसाब से देखें तो मेटेरियल कितने टाइप के, थ्री, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। ओपेक उसे बोलेंगे जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, ट्रांसपेरेंट उसे बोलेंगे जिसके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट उसे बोलेंगे जिसके आर पार पार्शियली देख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये एग्जांपल और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा मेटेरियल के हिसाब से, फ्लोटिंग आर सिंकिंग, फ्लोटिंग आर सिंकिंग के हिसाब से भी मेटेरियल देखिए दो टाइप होते हैं, एक फ्लोटिंग करेगा एक सिंकिंग करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है मेटेरियल्स है वाटर में डालेंगे तो वह फ्लोट करेगा या तो सिंक करेगा, यानी जैसे देखिए ये क्या है बीकर लिया गया है, इस बीकर में क्या फिल किया गया है वाटर, क्या फिल किया गया वाटर, वाटर में जैसे ही मैं मान लीजिए डाला प्लास्टिक, प्लास्टिक इसमें डाला तो क्या होगा, प्लास्टिक में फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी, यानी तैरेगी कि डूब जाएगी, तो क्या होगी प्लास्टिक तैरेगी यानी फ्लोट करेगी, तो यानी इन दोनों में से क्या हो रहा है फ्लोट, फ्लोट कर रही है। वुड है, लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी डालेंगे तो ये क्या करेगा फ्लोट करेगा। लीव्स, ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्ती भी अगर डालेंगे इसमें तो क्या करेगा तैरेगा, यानी जो प्लास्टिक वुड है लीव्स है अगर इसमें वाटर में डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है फ्लोट कर रहा है, यानी फ्लोटिंग मटेरियल हो गया। इसके बाद देखिए मैंने इसी वाटर में आयरन डाला, आयरन डाला, आयरन की मान लो पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा डूब जाएगा, यानी सिंक कर रहा है, सिंकिंग हो रहा है डूब जा रहा है। मेटल क्वाइन यानी सिक्का डालेंगे है ना, एक दो रुपए का सिक्का पानी में डाल के देखें वो भी क्या हो जाएगा डूब जाएगा। इसके बाद स्टोन यानी पत्थर फेंकेंगे पानी में फेंकते होंगे तो देखे होंगे आपको क्या हो जाता है डूब जाता है, तो क्या यानी मटेरियल फ्लोटिंग या सिंकिंग के साथ देखें या तो कोई फ्लोट करेगा या तो कोई सिंक करेगा, यानी आप कभी भी पोखरे में कहीं भी तालाब में पानी में पत्थर वगैरह मारेंगे तो डूब जाता होगा, अगर प्लास्टिक कोई बॉल फेंकते हैं तो तैरता रहता है, यानी जो चीज तैरता है उसे फ्लोटिंग मटेरियल, जो चीजें डूब जाता है उसे सिंकिंग मटेरियल बोलते हैं। तो वाटर में जो तैरेगा उसे फ्लोटिंग मटेरियल, जो डूब जाएगा उसे सिंकिंग मटेरियल, यानी फ्लोटिंग मतलब तैरना और सिंकिंग मतलब डूब जाना। ठीक है, तो प्लास्टिक वुड और लीव्स को मैंने इसमें डाल के देखा तो तैर रहा है तो ये फ्लोटिंग मटेरियल्स हो गए, आयरन मेटल क्वाइन स्टोन को इसमें डाल कर गया तो डूब गया, यानी ये सिंकिंग मटेरियल्स हो गए। अब चलिए देखते हैं ये डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स होता है देखिए तन्यता, डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है तन्यता, कोई भी मेटल्स है उसको क्या किया जाए उसे तान कर बिना उसे बेंड तोड़े ब्रेकिंग किए, बिना उसे ब्रेकिंग किए उसे क्या करना बेंड करना मोड़ना, कोई भी मान लीजिए मेटल है उसको बिना तोड़े उसे क्या करना बेंड करना मोड़ देना, ये क्या है तन्यता है, डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी मीन्स होता है तन्यता, जो तने है ना, जैसे वायर्स बनाते हैं वायर्स, इसके बाद ज्वेलरी बनाते हैं वो क्या डक्टिलिटी का यूज किया जाता है, डक्टिलिटी मतलब पदार्थों को बिना तोड़े या तोड़े बिना ब्रेकिंग किए उसे क्या करना शेप में बेंड कर देना किसी दूसरे शेप में, उसे क्या बोलते डक्टिलिटी यानी तन्यता कहते हैं। इसके हिसाब से देखिए दूसरा फिर लास्ट मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी में होता है आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी जैसे देखिए यहाँ पर क्या है गोल्ड का, ये क्या मान लीजिए गोल्ड का टुकड़ा है, गोल्ड के टुकड़े को क्या किया गया है हैमर किया गया है, हैमर मतलब पीटा गया है, इससे पीट कर किसमें चेंज कर दिया गया एक पतली सी चादर में बदल दिया गया, इस सोने का जो मेटल है गोल्ड मेटल्स है इसको हैमर्ड करके पीट पीट के इसको चेंज कर दिया गया है एक सर्कल यानी पतली सी चादर के रूप में, तो यही क्या हो गया मेलिएबिलिटी हो गई है आघात वर्धनीयता। मेलिएबिलिटी उसे बोलते हैं कोई भी मेटल से उसे पीट पीट कर क्या करना एक पतली चादर में बदल देना, ये क्या है मेलिएबिलिटी है ना, जैसे यहाँ पर गोल्ड मेटल था और इसे पीट पीट कर किसमें चेंज कर दिया गया एक थिन शीट में यानी पतली चादर के रूप में, तो ये हो गया मेलिएबिलिटी। तो आप लोगों ने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स कितने टाइप्स होते हैं, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फ्लोटिंग और सिंकिंग, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। अब इसके हिसाब से अपीयरेंस के हिसाब से दो लश्चर और नॉन लश्चर, हार्डनेस के हिसाब से दो सॉफ्ट और हार्ड, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखेंगे तो तीन यानी पारदर्शिता के हिसाब से दो ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, और फ्लोटिंग और सिंकिंग के हिसाब से यानी जो चीजें डूब जाती हैं उसे फ्लोटिंग मटेरियल, जो तैरती है उसे सिंकिंग मटेरियल, डक्टिलिटी यानी जो चीजें मेटल्स को क्या करें वायर्स ग्रुप में चेंज करें बिना तोड़े किसी मेटल्स को उसे बोलते हैं डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी यानी किसी गोल्ड को या किसी मेटल्स को
पीट पीट कर उसे क्या बनना, पतली से चादर के रूप में बदल देना, है क्या है, मेलिएबिलिटी है। आई होप डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।